हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू काका सीरीज ऑफ एनलाइटेंड आईएएस एकेडमी। एज यू नो दैट वी आर डिस्कसिंग डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ छत्तीसगढ़ इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर। इन दिस सीक्वेंस दिस इज काका 012। सो लेट्स स्टार्ट। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैड गिवन यू अ क्विज, सो लेट्स डिस्कस इट फर्स्ट। द क्वेश्चन वॉज ऑन प्लांटेशन ऑफ ट्रीज ओवर 5 acres ऑफ लैंड एरिया अंडर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना द ग्रांट विल बी गिवन अप टू ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 100%। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 100%। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत गवर्नमेंट के द्वारा 100% का ग्रांट दिया जा रहा है। इसके डिटेल्स को देखते हैं। इन मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना 100% ग्रांट विल बी गिवन फॉर प्लांटिंग ट्रीज ऑन 5 acres ऑफ लैंड। अगर 5 acres के ज़मीन पे हम ट्री वृक्ष लगाते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा 100% ग्रांट दिया जाएगा। फर्दर वर्कशॉप हेल्ड फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट टू स्टिमुलेट कमर्शियल कल्टिवेशन ऑन प्राइवेट लैंड। कमर्शियल कल्टिवेशन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की गई है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में। इन दिस सिनेरियो सिमिलरली इफ द लैंड इज लार्जर देन 5 acres अ 50% सब्सिडी विल बी मेड एक्सेसिबल। अगर जो लैंड एरिया जहाँ पे वृक्ष लगाए जा रहे हैं उसका अगर एरिया 5 acres से ज़्यादा है तो उसमें एक्स्ट्रा 50% की सब्सिडी और दी जाएगी। एज अ रिज़ल्ट लैंड ओनर्स हु प्लांट ट्रीज ऑन प्राइवेट लैंड विल गेट ₹15,000 to ₹50,000 पर एकर ईच ईयर। जो लैंड ओनर्स हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन पे वृक्ष लगाए हैं उन्हें 15,000 से 50,000 तक की रुपए दिए जाएंगे हर एक साल। तो ये था मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। इसमें गवर्नमेंट के द्वारा 100% ग्रांट दिया जा रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। अब हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है रूरल टेक्निकल सेंटर्स विल बी एस्टेब्लिश्ड थ्रू आउट द स्टेट विद द कोलैबोरेशन ऑफ। रूरल टेक्निकल सेंटर्स जो रीपा स्टार्ट किया गया है उसी के अंदर में ये रूरल टेक्निकल सेंटर्स भी खोला जा रहा है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये किसके साथ कोलैबोरेशन के साथ इसे स्टार्ट किया जा रहा है? ऑप्शन ए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। लेट्स हैव अ लुक इन इट्स डिटेल। द डिटेल्स आर रूरल टेक्निकल सेंटर्स। रूरल टेक्निकल सेंटर्स विल बी एस्टेब्लिश्ड थ्रू आउट द छत्तीसगढ़ स्टेट। रूरल एंटरप्रेन्योर्स वर्किंग इन रीपा सेंटर्स विल बी आउटफिटेड विथ कटिंग एज टेक्नोलॉजी BARC बार्क। जो रूरल टेक्निकल सेंटर्स हैं जिन्हें रीपाज में एस्टेब्लिश किया जा रहा है वहाँ पे जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं उन्हें अब बेहतर ढंग से और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि वो अपनी जीविका को और अच्छे से मजबूत कर सकें। मोर देन 72 रूरल इकोनॉमी बेस्ड एंटरप्राइजेस टेक्निक्स विल बी टॉट टू यूथ इन दिस सेंटर्स। 72 रूरल इकोनॉमी बेस्ड एंटरप्राइजेस टेक्निक्स जो यंगस्टर हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं उन्हें सिखाया जाएगा। बार्क ऑफिशियल्स प्रेज द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स
टू इम्प्रूव रूरल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन छत्तीसगढ़ एंड अग्रीड टू कोलैबोरेट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूरल टेक्निकल सेंटर्स इन रीपा। जो बार के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के इस रीपा वाले प्रोजेक्ट को प्रेस किया है, इसकी बहुत तारीफ़ की है और वो सब ही एग्री हो गए हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके रूरल टेक्निकल सेंटर्स ओपन करने में, सपोर्ट करने में। इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट चीफ मिनिस्टर मिस्टर भूपेश बघेल हैज़ स्टेटेड अ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क इज़ बींग बिल्ट इन 300 गौठान्स ऑफ द स्टेट। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव 300 crore फॉर दिस पर्पस। ये जो रूरल टेक्निकल सेंटर्स हैं वो सारे 300 गौठानों में खोले जाएंगे, जिसका अभी बजट अनुमानित है 300 करोड़, जिसे अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। तो इसमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, इसे याद रखिएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है गोधन एम्पोरियम इज़ एक्स्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। ऑप्शन ए पाटन, ऑप्शन बी अंबिकापुर, ऑप्शन सी नवागांव, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जो गोधन एम्पोरियम है वो कौन से ज़िले में एक्स्टैब्लिश किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंबिकापुर। अंबिकापुर में से अभी एक्स्टैब्लिश किया गया है। चलिए देखते हैं ये गोधन एम्पोरियम क्या है। गोधन एम्पोरियम न्यू बिजनेस आइडिया फॉर वीमेन एंड एक्सक्लूसिव शोरूम ओपन्ड इन अंबिकापुर टू सेल काउ डंग बेस्ड प्रोडक्ट्स। ये जो गोधन एम्पोरियम है एक शोरूम है जहाँ पे काउ डंग से बनी चीज़ों को बेचा जाएगा। इट हैज़ बी नेम्ड एज गोधन एम्पोरियम वर्मी कंपोस्ट एज वेल एज पेंट मेड फ्रॉम काउ डंग गोकास्ट इंसेंस स्टिक्स कंडा एंड काउ डंग आर बींग सोल्ड इन दिस एम्पोरियम। ये जो शोरूम है गोधन एम्पोरियम, वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट और गोबर से जितनी भी बनी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे बेची जाएंगी। दिस एम्पोरियम इज़ बींग रन बाई वीमेन सक्सेसफुली फॉर द लास्ट 3 years एट द मेन स्क्वायर ऑफ अंबिकापुर सिटी एंड द वीमेन वर्किंग इन द गोधन एम्पोरियम हैव अर्नड एन इनकम ऑफ मोर देन 12 lakhs टिल नाउ। ये जो गोधन एम्पोरियम है वो 3 सालों से वेमेंस के द्वारा सक्सेसफुली चलाया जा रहा है, जिससे उन्हें अभी तक के 12 लाख रुपए का इनकम मिल चुका है, इसे याद रखिएगा। एट प्रेजेंट हाउ मैनी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल आर बींग ऑपरेटेड। अभी वर्तमान में कितने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑपरेटेड हैं छत्तीसगढ़ स्टेट में? ऑप्शन ए 248, ऑप्शन बी 247, ऑप्शन सी 245, ऑप्शन डी 246। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 247। इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। इन द स्टेट देयर आर 247 आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एंड 32 हिंदी मीडियम स्कूल दैट आर करेंटली बींग ऑपरेटेड। वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट में 247 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं और 32 हिंदी मीडियम स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल अभी ऑपरेटेड हैं, इसे याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ स्टेट में अभी टोटल 247 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं और 32 स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल ऑपरेटेड हैं। वेयर एज 422 स्कूल इन द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन आर बीइंग प्रपोज्ड। जो अपकमिंग एकेडमिक सेशन है उसमें 422 स्कूल्स और खोलने जाने के प्रपोजल रखा गया है। इन द न्यू प्रपोज्ड स्कूल्स 252 स्कूल्स ऑफ सरगुजा एंड बस्तर विल बी इंक्लूडेड सो दैट चिल्ड्रेन लिविंग इन रिमोट एंड डिस्टेंट जोन कैन ऑल्सो स्टडी इन इंग्लिश मीडियम। जो न्यू प्रपोजल रखा गया है स्कूल्स के लिए उसमें 252 स्कूल्स बस्तर और सरगुजा संभाग में खोले जाएंगे, जिससे कि जो
ट्राइबल चिल्ड्रन से जो दूर दराज जगहों पे रहते हैं, जो मेन एजुकेशन फील्ड से काफ़ी वंचित हैं, उन्हें जोड़ा जा सके ताकि वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ सके। इसके लिए 252 स्कूल्स सिर्फ सरगुजा और बस्तर डिवीज़न में खोले जाएंगे इन द अपकमिंग एकेडमिक सेशन। कंसिडरिंग द सक्सेस ऑफ द इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, द स्टेट गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू लॉन्च इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस इन द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। इंग्लिश मीडियम स्कूल के सक्सेस को देखते हुए अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस भी ओपन किए जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स इस क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट्स थे, इसे ध्यान रखिएगा। मैच द फॉलोइंग, जसपुर कबड्डी एकेडमी, बिलासपुर शूटिंग एकेडमी, नारायणपुर मलखम एकेडमी, रायपुर आर्चरी एकेडमी। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इसमें यह बताना है कि जसपुर में कौन सा एकेडमी खोला गया है, बिलासपुर में कौन सा एकेडमी है, नारायणपुर में कौन सा है, रायपुर में कौन सा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि नारायणपुर में तो मलखम है, तो सी का 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी तीनों में दिया गया है। लेकिन इसके बाद रायपुर में शूटिंग एकेडमी है, तो डी का 2nd हुआ। तो ये इस तरह से ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा कि जसपुर में आर्चरी एकेडमी है, बिलासपुर में कबड्डी एकेडमी है, नारायणपुर में मलखम है और रायपुर में शूटिंग एकेडमी अभी खोला जा रहा है। इसे ध्यान रखिएगा। इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। जसपुर गेट्स आर्चरी सेंटर एकलव्य स्पोर्ट्स एकेडमी। आर्चरी सेंटर विल प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज टू स्टूडेंट्स। जसपुर में आर्चरी सेंटर एकलव्य स्पोर्ट्स एकेडमी खोला जा रहा है, जहां पे बच्चों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज दिया जाएगा। आर्चरी सेंटर विल आल्सो प्रोवाइड फ्री अकोमोडेशन एंड एजुकेशन। जो आर्चरी सेंटर बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे रहने की सुविधा और पढ़ाई की भी सुविधा बच्चों को दी जाएगी। स्पेशल अटेंशन विल बी प्रोवाइडेड टू द टैलेंटेड स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू पहाड़ी कोरवा ट्राइब्स। जो पहाड़ी कोरवा ट्राइब्स के होनहार बच्चे हैं, उनमें ज़्यादा अटेंशन दिया जाएगा ताकि वो आगे बढ़ सके और अपने हुनर को और निखार सके। शूटिंग एकेडमी इन रायपुर विल बी ऑपरेटेड बाय जिंदल इंडस्ट्री ग्रुप। जो रायपुर में शूटिंग एकेडमी खोला जा रहा है, वो जिंदल इंडस्ट्री ग्रुप के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। जो मलखम एकेडमी है, वो नारायणपुर में है, जिसे भिलाई स्टील प्लांट ऑपरेट करेगा। बिलासपुर में कबड्डी एकेडमी है, जिसे गोपाल स्पॉन्ज एंड पावर लिमिटेड एंड फिल इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के कोलैबोरेशन के साथ ऑपरेट किया जाएगा। उसी तरह से एकेडमीज ऑफ फुटबॉल, स्विमिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल इन कोरबा। तो कोरबा में कौन कौन सी एकेडमीज़ हैं, फुटबॉल, स्विमिंग, बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल, ये सब कोरबा में खोली जाएंगी, जिसे ऑपरेट कौन करेगा, बालको। बालको के द्वारा इसे ऑपरेट किया जाएगा, बालको भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। इसे ध्यान रखिएगा। तो अब हम अपने आज के क्विज में जाते हैं, जो है Which of the following district is the highest maize producer? Option A कोंडागांव, Option B कांकेर, Option C दंतेवाड़ा, Option D बस्तर। छत्तीसगढ़ स्टेट में सबसे ज़्यादा मेज का प्रोडक्शन कहाँ होता है? इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। So that's all for this video. Do like, share and subscribe to our YouTube channel and keep enlightening your studies.